जो पुल नजर आ रहा है ये 92 का जो सैलाब आया था उस वक्त से यही पुल इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पे आके कोई तवज्जो नहीं दे रही। जब ये पावर स्टेशन लगना था उस वक्त थोड़ी सी सड़क को सिर्फ इतना बेहतर किया गया था ताकि उनकी आमदोरफ्त जारी रह सके, उसके बाद सारे ही आमदोरफ्त उनकी बंद हो गई है। अब एक ही लकड़ी का पुल है जहाँ पे हमने वो गाड़ी भी खड़ी की है, वो भी आपको दिखाया था। वो इधर आने का एक ही रास्ता है। अब वो देखें, इसके पीछे बता रहे हैं 5,000 घर मौजूद हैं जो कि गर्मियों में यहाँ पे होते हैं, सर्दियों में यहाँ पे कोई जरिया नहीं है। पता नहीं जब बंदा बीमार हो जाता है उसका क्या सिलसिला है सर, उसका बस अपनी मदद आप कंधों पे उठा के ले गए। कभी फौजी हॉस्पिटल में जाते हैं, फौजी हॉस्पिटल इधर है जंबर में है, कुंडल शही के मुकाम पर है वो। इधर पैदल रास्ता 3 घंटे, पैदल रास्ता 3 घंटे से ऊपर लगते हैं सर। 3 घंटे नाज़रीन देख इमरजेंसी में पता नहीं चलता, ये 3 घंटे पैदल अपने कंधों पे उठा के लेके जाते हैं। वहाँ पे कोई जीप वगैरह भी नहीं जाती, कोई भी नहीं जाता है सर। रोड की हालत ये है, हमारे 8 एक्सीडेंट जो कीमती जाने जाया हो चुकी ये रोड की वजह से होगी। ये कब एक्सीडेंट हुए सर? ये मुख्तलिफ टेमों में हुए हैं, जाने 4-5 साल के अंदर अंदर। ये अभी तकरीबन 15 दिन पहले हमारी ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई रोड की और PWD की गफलत से। हमारी कीमती जाने इस टाइम भी मौत की मंजिल में CMH मुजफ्फराबाद में दाखिल है और इब्टाबाद में। नाज़रीन जहाँ पे कुछ देर दिन पहले भी एक गाड़ी गिरी है वहाँ पे एक बच्ची की हलाकत हुई है और साथ कोई 12 लोग ऐसे शदीद ज़ख्मी हैं जो अपनी मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में हैं। ऐसे जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही बात है सर, और जहाँ पूछने तक कोई नहीं आता है। नाज़रीन जहाँ पे ना तो फिर कम्युनिकेशन, यहाँ पे कोई मोबाइल काम नहीं करता, कोई कुछ काम नहीं करता। यहाँ पे लोग अगर किसी को मैसेज भी देना हो, बुलाना हो बीमारी पे, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। मुजफ्फराबाद यहाँ पे कोई भी काम हो मुजफ्फराबाद में जाना पड़ता है। कन्फ्रेंस आ जाती है, कभी पेपर पार्टी आ जाती है, मगर ये सियासियों का एक आवाम को बेवकूफ़ बनाने का बेहतरीन जरिया है। तो आप बेवकूफ़ क्यों बनते हैं? बेवकूफ़ सर बस इसी आसरे में बनते हैं कि ये दूसरी पार्टी आएगी काम करेगी। कभी उसने नहीं कि अपना 5 साला पूरा किया, दूसरी आ गई ताज़ा दम, भाई हम करेंगे। पर्ची लेने के बाद इधर सिर्फ एक खुदा की जात होती है और दूसरा कोई बंदा नहीं होता है, कोई लीडर नहीं होता है। नाज़रीन कितने यहाँ के 9 जिले हैं मेरे ख्याल से कश्मीर के? जी सर 9 जिले हैं, जिसमें ज़िला नीलम पूरी दुनिया के चंद खूबसूरत तीन इलाकों में से एक इलाका है। अगर यहाँ पे प्रॉपर टाइम दिया जाए, प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट के लिए टाइम किया जाए, यहाँ पे सयाह आए, यहाँ पे जैसा आपने देखा होगा कि किसी गांव में एक सिर्फ बारात जाती है 200-400 बंदों की, वहाँ के जो छोटे मोटे दुकानदार जिनके टाफियाँ गोलियाँ ऐसी चीज़ें होती हैं उनके भी रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पे जाते हैं। जब यहाँ पे सयाह आएंगे, यहाँ की आवाम जो सिर्फ मेहनत मजदूरी कर रही है, 90% लोग मैंने देखे हैं मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, और जो अपना राशन इकट्ठा करके 6 माह सर्दियों के इधर ही, उनका कोई रिश्तेदार बाहर पिंडी मुजफ्फराबाद में नहीं है कि वहाँ पे जाके रह रहे हैं, वो इधर ही रहते हैं। किस तरीके से
ये चैनल है कि हमारी वादी में आकर हमारे मसाइल पूछने आए हैं, और इसका मैं सबसे पहले तो ये शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद आपने खुद जब मुजफ्फराबाद से चले हैं तो आपने भी तो खुद महसूस किया होगा क्या मसाइल हैं हमारे। सबसे पहले तो हमारे मसाइल हैं कि हमारे रोड नहीं है। आपने आपके आपके पास गाड़ी है, आपने खुद देखा होगा कि बाहर से जो टूरिस्ट नीलम वैली में आते हैं तो वो किस वजह से नहीं आते, सिर्फ रोड की वजह से नहीं आते। उसके बाद हमारे मसाइल ये हैं कि 14 साल भारतीय गोलाबारी से ये वादिया नीलम पीछे रहा है, और हमारे यहाँ उस यानी कि 14 साल पूरा पहिया जाम रहा है। उसके बाद जो मसाइल हैं हमारे रोड के मसाइल हैं, उसके बाद हमारे स्कूल जो है नहीं है, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। आपने देखें लकड़ी वाला, इधर से हम गुज़र के वापस आए हैं। कितना खूबसूरत इलाका है ये। इसके बाद इधर के मसाइल कम हैं, जहाँ पे हम गए थे वहाँ के मसाइल ज़्यादा हैं। आपने बात सुनी इंतज़ामिया की भी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान की भी, और उनकी भी हमने सबकी बात सुनी है, और आवाम की भी हमने बात सुनी है कि इन आवाम को जो कि बहुत सारी सहूलियात से बिल्कुल दूर हैं, उनको किस तरीके से सहूलियात देनी चाहिए और कैसे दी जा रही हैं, इसका हल कौन सोचेगा, इनको इंसाफ कौन देगा, यहाँ पे क्राइम पे काबू कौन पाएगा। ये ज़रूरी नहीं क्राइम किसी को मारना, लड़ाई झगड़ा करना, ये क्राइम नहीं है। किसी को उसका प्रॉपर तौर पे हक ना मिलना भी क्राइम है। क्या ये पाकिस्तान का एरिया, कश्मीर का एरिया नहीं है? ये क्या हम मुजफ्फराबाद और इधर के इलाके जहाँ पे हम गए हैं वहाँ से होके वापस आए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सहूलियात के हवाले से 95% लोग मजदूरी करते हैं, 7 माह वो शहर बंद रहता है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या कनाडा वाली साइड पे इससे ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती? क्या वहाँ का मौसम इससे ज़्यादा ख़राब नहीं है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ये तमाम खूबसूरत जगह कश्मीर जन्नत नज़ीर सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की नज़र हो रहा है? इस पे अगर हम फौरी तौर पे कोई ऐसा इकदाम उठाएं या किसी बाहर की कंपनी को इसका दे दें तो प्रॉपर तौर पे इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अपने मेज़बान सैयद काज़िम कद्दस को, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।